What's up everybody, this is Shankar and you guys are watching TYS Vlog. So, कैसे हो सभी लोग? अभी बज रहे सवेरे के 6:45 और मैं 6:30 बजे सो के उठा था और रात को सोया था 12:30-1 बजे, ठीक है ना। और यहाँ पर आ रही थी बहुत ज़्यादा आंधी बारिश, मतलब हालत टाइट हो रखी थी और ठंड नेक्स्ट लेवल हो रखी। मैंने जैकेट पहन रखी है, देख सकते हो आप। मैं सोचा था आप बाजू में घूमूंगा, नवी शर्ट और टी शर्ट भी आप बाजू के लाया था, पर अब क्या करें, यहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा है तो यही पहननी पड़ रही है। और आज डेट है 15 अप्रैल और कल था 14 अप्रैल जब मैं यहाँ पर आया था। आपने देख ही लिया होगा पिछला व्लॉग, तो नहीं देखा तो देख लेना, ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा। एंड हाँ, वो वाली क्लिप्स देखो जाके जो मैंने कटरा में शूट करी थी। कटरा की मार्केट में मैं घूम रहा था और फिर मैं एक मिनट दिखाता हूँ कहाँ से ऊपर आया। वो देख रहे हो जो लाल लाल सी शेड्स बन रखी है, वो अब दिख रही होगी आपको, वो जो लाल शेड है वहां से मैं यहाँ तक आया हूँ ऊपर तक, ठीक है ना। वो पूरा रास्ता बन रखा है वो वाली साइड, वहां से मतलब घूम फिर के एकदम ऊपर आए पैदल, ठीक है ना। थक गए थे काफी ज्यादा, पहले वो वाली क्लिप्स देखना जाके। हाँ तो मित्रों, मैं आ चुका हूँ मार्केट कटरा की, देख सकते हो साइड में कुछ। और एक चीज़ मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ, देखो होटल से पूरा तैयार होकर आ गया हूँ, पर एक चीज़ भूल गया हूँ, वो है मेरी बेल्ट। बेल्ट मैं कैंट में भूल गया था। और अब यहाँ पर दूर दूर तक कोई दुकान नहीं दिख रही है। मेरे साथ ध्रुव भाई दोनों परेशान हो रहे, दोनों भाई कोई दुकान ही नहीं मिल रही बेल्ट की, मतलब होटल से कम 1 किलोमीटर आगे आ गया हूँ पर अभी तो कोई बेल्ट की शॉप नहीं मिली मेरे को। इधर उधर ढूंढ ली यार, पीछे एक शॉपिंग मॉल तो था, वहाँ मैं सोच रहा था चलूँ, पर मैंने कहा शॉप से ले लेंगे। अब तुम देखो यार, मतलब कहीं पर भी बेल्ट नहीं है, यहाँ पर बेल्ट की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब दोनों भाई परेशान हो रहे हैं कहाँ पर मिलेगी कहाँ पर नहीं। अब देखते हैं जहाँ मिलेगी वहीं पर आपसे मिलता हूँ सीधा उसी शॉप पे। 2000 years later तो फाइनली एक शॉप मिल गई थी ये वाली, और यहाँ से हमने ये बेल्ट जो है ये परचेज कर ली। 200 रुपये की दे रहा था, पर हमारे ध्रुव भाई ने उसको 160 रुपये ही दिया, 150 दे रहा था ध्रुव। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, 10 और दे दे एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं। अब चलते हैं फटाफट से होटल की तरफ और फिर चढ़ेंगे चढ़ाई, एंड फिर हम बाणगंगा भी रुकेंगे। और हाँ, शिवपुरी भी जाना है, मतलब वहाँ तो 3 दिन बाद जाएंगे शिवपुरी, अभी तो वहाँ जाएंगे अर्धकुमारी एंड देन भवन, भवन से कल शाम को वापसी आ जाएंगे एंड देन परसों जाएंगे शिवपुरी। तो फटाफट से चलते, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्यों ध्रुव भाई, यहाँ की कुछ मार्केट दिखा दूँ, ये कुछ मार्केट है। मार्केट ऐसी है भाई, बेल्ट तो मतलब दूर दूर तक कहीं नहीं है। मैंने उससे पूछा था कि कोई बेल्ट रखता नहीं रखता, तो कह रहा भाई यहाँ पर कोई बेल्ट बेचता ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो वहाँ पे हमें शॉप मिली और हमारा होटल ना वो वहाँ से ना राइट लेके और थोड़ी आधा किलोमीटर आगे जाकर है, और हम इतनी दूर आए बाजार में एक बेल्ट के पीछे। बताओ मेरे को लगी रहते, मैं अम्बाला से निकला था ना, कोई चीज़ भूल गया हूँ, बेल्ट के साथ साथ हम एक दो सामान और भूल गए थे। चलो कोई बात नहीं, अब चलते हैं फटाफट से होटल की तरफ। होटल में हमने मतलब ऐसे लिया अभी टेम्परेरी सा सामान सामून रखने के लिए, जो असली मतलब जहाँ पर रहेंगे दूसरे होटल में वो मैं आपको दिखा दूंगा, ये वाला होटल कुछ खास नहीं है दिखाने के लिए, सो दैट्स व्हाई मैं नहीं दिखा रहा। तुम देखो यार, मैंने कर लिया परचेज ये बैग, बैग की अभी जरूरत ही तो मैंने ले लिया, 100 रुपये का दिया, जूट का बैग वाला नहीं लेते कपड़े वाला, बेकार। चलो जूट का बैग ले लिया हमने, ये वाला काफ़ी सही मिल गया, 100 रुपये का। मेरे ख्याल से प्राइस थोड़ी सी इसकी महंगा है मेरे ख्याल से, एंड ये दे रहा था 120 रुपये का, पर हमने लिया है 100 रुपये का। कोई बात नहीं ध्रुव भाई, बार्गेनिंग बहुत अच्छी करते हैं, कभी मार्केट जाऊँगा इन्हीं को लेके जाऊँगा। और फटाफट चलते ऊपर चढ़ाई के लिए, रेडी हो चुका हूँ, बैग भी ले लिया, ध्रुव ने भी ले लिया, विकसित भाई वहाँ खड़े हैं, कहाँ गया विकसित, वो खड़ा विकसित भाई वहाँ खड़े, फटाफट से चलते ऊपर वहीं पर मिलता हूँ मैं आपको और चढ़ेंगे चढ़ाई। ये मैंने परचेज कर लिया चश्मा, 100 रुपये का काफ़ी सही चश्मा था, और ये विकसित भाई ने भी 100 रुपये का परचेज करा, और ध्रुव भाई के लिए भी 100 रुपये का, वो आगे चला गया है। एंड आप अभी चलते हैं फटाफट से आगे की साइड, और ये देखो चश्मा बताने पर कमेंट करें कैसा लग रहा है, मेरे को तो सही लगा तो मैंने परचेज कर लिया, 100 के अराउंड तो मैंने कहा ठीक ही है यार प्राइस रेंज। तुम देखो यार, अपने ध्रुव भाई पूरी मदद कर रहे, एक बैग येरा और मैंने कोई बैग नहीं टांग रखा है, मस्त जा रहे हैं, काम चोर नहीं है तू, है काम चोर, इससे पहले मैंने टांग रखे थे जीता। और पूरा मजा आ रहा है भाई, चढ़ाई तो बहुत मुश्किल है, सीढ़ी पकड़ेंगे आगे से फटाक से ऊपर निकल लेंगे, चलते हैं फटाफट से, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं।
फाइनली सीढ़ियाँ मिल गई और चलते ऊपर फटाफट से। आ जाओ फटाफट, आ जाओ फटाफट, अभी काउंट करके बताओ कितनी सीढ़ियाँ हमने चढ़ी है टोटल। यहाँ पर तो लिखा नहीं है, ऊपर जाकर बताओ कितनी सीढ़ियाँ है। मेरे ख्याल से तो 1000-1500 सीढ़ियाँ होंगी, इससे ऊपर भी हो सकती है, ऊपर जाके बताऊँगा। क्या हो गया, ग्लूकोज की बोतल चढ़ा भाई को ले आओ। तुम देखो यार हालत जो है टाइट हो चुकी चढ़ चढ़ के, आधा घंटा हो गया आ गया। और यहाँ से भाई व्यू बहुत सही आ रहा, दिखाता हूँ आपको, ये देखो व्यू देखो यार, यहाँ से पूरा कटरा दिख रहा है, वो देखो वो सामने ट्रेन दिख रही होगी आपको, और वो जो लाल लाल से दिख रहा है वहाँ से आया हम, और अब यहाँ पर इतनी ऊपर आ गया, और अभी और ऊपर जाना है। सो फटाफट से चलेंगे, चला भी से चले, चलो भाई चलते, थोड़ी देर बाद मिलता हूँ आपको। तुम देखो यार मैं पहुँच गया लगभग ऊपर, और भाई थक तो बहुत ज़्यादा गया हूँ, अगर कल्ला बंदा हो तो चला भी जाए, साथ में ये बैग भी बहुत ज़्यादा भारी। और बस ऊपर ही मंदिर है, ये पोस्ट थी चेकिंग वाली, यहाँ पर रुका था, ये रहा बैग यहाँ रख दिया। और यहाँ से एक बार व्यू दिखाता हूँ कितना ज़्यादा अमेजिंग आ रहा है, वो नीचे देख रहे हो वो जो लाल लाल से वहाँ से आया, वो वहाँ से जैसे कि आपको पता होगा, और वो मंदिर है आपको याद हो थोड़ी देर पहले दिखाया था, और अब हम यहाँ आ चुके हैं। और यहाँ से पूरा कटरा दिख रहा है, और सामने की साइड स्टेशन भी दिख रहा है हमें, वो देखो नीले सा स्टेशन है वो पूरा, और हम यहाँ खड़े हुए हैं आसमान की ऊंचाइयों में, और अभी थोड़ी और ऊंचाई पर जाना है। और अभी ऊपर जाकर देख रहा है कि नंबर कौन सा आता है, रात को आता है कि अभी आ जाता है। वैसे मेरे को लग रहा है आधे घंटे में आ जाएगा, बिकॉज रश तो है नहीं, देखो पूरा खाली पड़ा, ये देखो पूरा लास्ट तक खाली पड़ा है, रश तो होगा नहीं मेरे ख्याल से ऊपर। अब बाकी देख लेंगे वहाँ चल कर। ध्रुव भाई क्या कह रहा था कि रिकॉर्ड बनाया 300 सीढ़ी घंटे चलने का, भाई कह रहा है ये 300 सीढ़ी लगातार चढ़ गया बिना रुके, बिना रुके, बिना रुके, भाई साहब जोश है बंदे का, ठीक है ना। अगले ने बैग भी टांग रखा, छोटी सी एज है भाई की, पर क्या करें हम कहाँ कर पाएंगे सब। तो फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं अर्धकुमारी के मंदिर, कल्ला बैग टांग के बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, और आपको दिखाता हूँ मंदिर कितना ज़्यादा सुंदर सजा है सामने की तरफ से, वाली साइड जाके दिखाऊंगा। और करंट टाइम हो रहा है 1:12:47, मतलब 1 बजे लगभग, और मैंने जो है पर्ची ले ली है, 158 नंबर है मेरा, और अभी 100 नंबर चल रहा है, देखते कब आएगा नंबर। एंड दिखाता हूँ आपको मंदिर कितना ज़्यादा बढ़िया सज रखा है सामने की तरफ से, तुम देखो यार मंदिर मतलब कितना ज़्यादा गजब सज रखा है, यहाँ लिखा हुआ है जय माता दी, और यार चारों तरफ हार हार लग रखे है। और वाली साइड से दिखाता हूँ अब, और इनका जो है बाहर खड़े, इनका नंबर आने वाला है 400, बाहर खड़े है। और ये देखो यार इसे कहते हैं ब्यूटी, ठीक है ना, वहाँ पर भी लिखा है जय माता दी, वहाँ पर भी लिखा है, और ऊपर की साइड देखो भाई साहब क्या मतलब गदरी मंदिर सज रखा है यहाँ पर। और पास से दिखाता हूँ आपको एक बार, यहाँ से भी देख लो, यहाँ से अंदर जाएंगे वो देख सकते हो, 100 नंबर चल रहा है करंट अभी, एंड अपाना क्या है 158, तो टाइम है अभी, तो इसलिए थोड़ा आपको अर्धकुमारी घुमा देता हूँ। ये देख सकते हो कितना मतलब गजब मंदिर सज रखा है, बिल्कुल ओपी लेवल का, बहुत ज़्यादा हार लगे हैं मेरे हिसाब से, 1000 से ऊपर ही हार होंगे यहाँ पर जिस हिसाब से यहाँ पर लग रखे। और वाल से दिखाता हूँ मैं वाली साइड से कि ऊपर से कटरा कैसे दिखता है, ऊपर से मतलब अर्धकुमारी से कटरा जो है वो कैसे दिखता है, ठीक है ना। मेरे को बंदर का डर लगता है कि बंदर ना गिम्बल गुम्बल ना छीन के ले जाए, नुकसान हो जाएगा। सो लीजिए ये पूरा कटरा है, वो वहाँ से आया हम, एक सेकंड, वो वहाँ से वो लाल शर्ट देख रहे हो, चौथी पांचवी बार दिखा रहा हूँ, आई नो दैट, और वो हेलीकॉप्टर जा रहा वाली साइड। और यहाँ से देखिए व्यू, देखिए भाई साहब बहुत ज़्यादा अमेजिंग आ रहा है, हवाएं चल रही है, मतलब फुल मज़ा आ रहा है यहाँ बैठने में। तो अभी इससे भी ऊपर जाना है, भवन, भवन का रास्ता ये रहा, ये जो मेरे पीछे आप जगह देख रहे हो ये है भवन का रास्ता, इससे भी अभी ऊपर जाएंगे। अभी तो अर्धकुमारी में मत्था टेकेंगे, गुफा में जाएंगे, वहाँ रिकॉर्डिंग तो अलाउड नहीं है, पर कोशिश करूँगा कुछ आपको दिखा दूँ अंदर का भी सीन क्या है। एंड अभी चलते हैं फटाफट से, थोड़ी रेस्ट करने, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। अभी वहाँ से निकले थे हम, आई थिंक 1-1.5 घंटे में करी हमने चढ़ाई, पर भाई
एक डेढ़ घंटे में भी ना हालत टाइट होगी, ठीक है ना। और अभी भवन में भी जाना है, वहाँ पर भी हालत टाइट होगी, और फिर वहाँ से आना है कटरा वापसी जाएंगे, नीचे जाने में भी हालत टाइट होगी, उसके बाद शिवकोरी भी जाना है, फिर वहाँ पर भी हालत टाइट होगी। एंड शिवकोरी का मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया बन रखा है अंदर से मंदिर में, पहले भी हो रखा हूँ वहाँ पर, वो वाला व्लॉग भी बहुत ज़्यादा बढ़िया आएगा और याला व्लॉग भी बहुत ज़्यादा बढ़िया आएगा। रात को जब मैं मंदिर दिखाऊंगा ना तो देखना, वैसे दिखा नहीं पाऊंगा, आई थिंक मैं भवन चला जाऊंगा शायद, देखते अगर पॉसिबल हुआ तो दिखा दूंगा, अदरवाइज तो देखते ही है मतलब, ठीक है ना। आप चलते फटाफट से रेस्ट करने और मिलूंगा आपको जब मेरा नंबर आ जाएगा, और अपने भाई लोग वो सामने हैं और अभी 100 नंबर ही चल रहा है, तो फटाफट से रेस्ट वेस्ट करते हैं, थोड़ा व्लॉग एडिट करते हैं, एंड देन आपको मिलूंगा उसके बाद। To get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. और तुम यार ये फूल देखो, ये सारे फ्लावर्स ना ओरिजिनल और काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं, अभी तो थोड़े मुरझा गए, कल काफ़ी ज़्यादा औसम लग रहे होंगे। और ये देखो यार कितने ज़्यादा बढ़िया रोज़ के फ्लावर है, और ऊपर पूरी डेकोरेशन हो रखी है, एंड यहाँ पर भी लगे हुए हैं अलग अलग तरह के फूल्स। और ये देखो ऊपर लिखा हुआ है जय माता, और यहाँ पर ना बारिश वाला मौसम बन रहा है, देखो पूरा एकदम ना ओपी लेवल का मौसम हो गया। वो देखो वाली साइड, और वाली साइड देखो, एंड हाँ अभी हमें जाना है भवन, और भवन का रास्ता हो रहा वे टू भवन, ठीक है ना। तो वहीं चल के बताऊंगा क्या क्या सीन था, और वही वो देखो मतलब बारिश आने वाली है मेरे को ऐसा लग रहा है, और आगे तो काम बिगड़ जाएगा, रात को निकलना है मेरे ख्याल से, अभी तो 8 बजे यहाँ पे नंबर आएगा, अभी यहाँ पर है 140 ग्रुप नंबर हमारा 158, तो रात को ही आएगा 8 बजे, तो देखते हैं जितनी देर बाद आएगा फिर उसके हिसाब से चलेंगे वापसी, दर्शन करेंगे फटाफट से, एंड देन 9:30 बजे निकल जाएंगे भवन के लिए, और फिर वहीं चल के मिलूंगा, और कल जाएंगे क्या बोलते हैं उसको भैरव बाबा की घाटी, और हाँ ट्रॉली में जो केबल कार होती है उसमें भी ट्रैवल करेंगे, मतलब फुल मज़ा आने वाला है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, मज़ा आ जाएगा। तो अभी फटाफट से चलते हैं दर्शन करने। हाँ जी दोस्तों, अभी बज रहे सवेरे के 7:55, और हम निकल गए भवन के लिए, और ये दिखा दूँ यहाँ से, ओ भाई बंदर आ गया, फ़ोन नीचे कर लो कहीं नहीं, ठीक है तो फ़ोन नीचे कर लिया था मैंने, और यहाँ से दिखा दो एक बार इस सीन, और ये अपने भाई लोग आ रहे गुफा में से निकल के, एंड फटाफट से चलते और दिखाते हो रास्ता कैसा बन रखा है, ठंडा मौसम हो रखा है, बारिश आएगी शायद, वही जाकर देखेंगे।